पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक अर्थात 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन के साथ आधार लिंक कराना होगा अनिवार्य। विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन से आधार लिंक नहीं होने पर परीक्षा में बैठने पर हो सकती है परेशानी। उच्च माध्यमिक अर्थात 12वीं के रजिस्ट्रेशन में अब आधार कार्ड होगा बाध्यतामूलक। जी हाँ, आधार कार्ड नहीं होने पर परीक्षा में बैठने का मौका नहीं भी मिल सकता है। दरअसल संसद की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। आगामी 16 अगस्त से 11वीं क्लास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वर्ष 2023-24 शिक्षा वर्ष में रजिस्ट्रेशन के समय स्टूडेंट्स का आधार नंबर अनिवार्य होने की बात उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद की ओर से कही गई। बगैर बिना लेट फाइन आगामी 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, पर इसके बाद लेट फाइन देकर 30 से 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार 2022-23 शिक्षा वर्ष में रजिस्ट्रेशन के समय जिन स्टूडेंट्स ने अपना आधार नंबर नहीं दिया है, उन्हें भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आधार नंबर बताना होगा और ये प्रक्रिया 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चलेगी। संसद की ओर से ये भी बताया गया कि आधार नंबर नहीं रहने पर संबंधित स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड तैयार करने में समस्या हो सकती है और हो सकता है कि उन्हें परीक्षा में बैठने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এবার আপনার স্বপ্নের নীড় আপনার হাতের মুঠেই নিয়ে এলো কৃষ্ণম ডেভেলপার্স। 24 ঘন্টায় থাকছে ওয়াটার, ইলেকট্রিক ও লিফট ফ্যাসিলিটিস, এছাড়াও পার্কিং স্পেস, সিসিটিভি সার্ভেলেন্স, চারিদিক খোলা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ সমস্ত রকমের সুবিধাযুক্ত 2BHK, 3BHK ফ্ল্যাট। এখানে আপনি পাবেন একেবারে উচিত দামে। রয়েছে ব্যাংক লোন ফ্যাসিলিটিসও। রানীগঞ্জের লাইফলাইন NSP রোড ও NH2 থেকে মাত্র 600 মিটার দূরত্বে গড়ে উঠছে এই অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট। বুকিং এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণম ডেভেলপার, সুরমাপাড়া, বাঁশরা রোড, রানীগঞ্জ। মোবাইল নম্বর 9832196051, 9775776019।